नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सब का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के शिबू सोरेन बोले, झारखंड आंदोलनकारियों को जरूर मिलेगा राजकीय सम्मान। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को झारखंड आंदोलनकारियों के अगवा दिसम गुरु शिबू सोरेन से उनके आवास पर मिला। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के लिए संघर्ष करने वाले झारखंड आंदोलनकारियों को सरकार द्वारा राजकीय मान सम्मान, नियोजन, पेंशन और पहचान नहीं दिए जाने की शिकायत की। इस पर शिबू सोरेन ने कहा कि एक बार सरकार से मिलकर बात करें, फिर मुझे बताएं, जरूरत होगी तो मैं खुद इस बारे में बात करूंगा। आंदोलनकारियों की बातें जरूर सुनी जाएगी। कहा कि सभी झारखंड आंदोलनकारियों को राजकीय सम्मान दिया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रफुल्ल तत्वा, शिवलाल मारांडी, सुशील मुर्मू प्रमुख थे। बीमा योजनाओं से एक माह में 25 लाख ग्रामीण जुड़े, केंद्र ने अन्य राज्यों को झारखंड मॉडल अपनाने की दी सलाह। संक्रमण के कालखंड में ग्रामीणों के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया जा रहा प्रयास रंग ला रहा है। एक ओर हंडिया, दारू निर्माण और बिक्री कार्य में संलग्न 13,000 से अधिक महिलाओं को पिछले एक वर्ष में फूलो जानो आशीर्वाद अभियान से जोड़कर उनके लिए आजीविका के साधन सृजित किए। वहीं पिछले एक माह में 25 लाख लाभुकों को जीवन, दुर्घटना एवं स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा गया। इसके साथ ही सरकार अब 30 लाख लोगों को बीमा योजनाओं से जोड़ने के अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा चुकी है। कोरोना काल में ऐसी योजनाओं का महत्व और भी बढ़ जाता है। झारखंड के बीमा कराए अभियान के मॉडल से प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों को भी झारखंड से नसीहत लेने की सलाह दी है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गृह मंत्री से मिला झारखंड के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल, जाति आधारित जनगणना की मांग। झारखंड के एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी मौजूद रहे। जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सर्वदलीय शिष्टमंडल के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक विनोद सिंह, भाकपा से पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता, भाकपा से सुरेश मुंडा, मासद से अरुण चटर्जी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से विधायक कमलेश कुमार सिंह शामिल है। विधानसभा के मानसून सत्र में इस बाबत निर्णय भी हुआ था। सनातन धर्म कोड का प्रस्ताव विधानसभा के पूर्व में आहूत विशेष सत्र में पारित किया गया था। झारखंड चैम्बर का चुनाव शुरू, 3 दिन तक डाले जाएंगे वोट। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव रविवार से शुरू हो गया। कोविड नियमों के साथ मतदान हुआ। इस चुनाव में 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। चुनाव में मतदान रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, वहीं सोमवार और मंगलवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान के लिए चैम्बर भवन में 20 कंप्यूटर लगाए गए हैं। मतदाता भारत सरकार के द्वारा जारी आईडी कार्ड अथवा चैम्बर के द्वारा जारी आईडी कार्ड दिखाकर वोट दे सकते हैं। धनबाद जेल के अंदर से अपराधियों के खेल पर लगेगा ब्रेक, लगाए जाएंगे 172 सीसीटीवी कैमरा और 5 5G जेमर। धनबाद जेल से रंगदारी का खेल अब नहीं चलेगा। जेल प्रशासन धनबाद मंडल कारा में 5G जेमर लगाने जा रहा है। इसके लिए प्रस्ताव भी पास हो गया है। यह जानकारी जेल IG मनोज कुमार ने दी। बताया कि 172 नए सीसीटीवी कैमरे भी जेल में लगाए जाएंगे ताकि किसी तरह की गतिविधि होने पर जेल प्रशासन को तुरंत इसकी खबर हो जाए। वहीं अभी धनबाद जेल में 2G जेमर लगा हुआ है और जेल में बंद खतरनाक अपराधी 4G का इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले समय में 5G मोबाइल भी लॉन्च हो रहा है। इसी को देखते हुए जेल में 5G जेमर लगाए जाएंगे ताकि जेल से कोई भी फोन कर अपने अपराधी साथी को कोई क्राइम करने की सूचना या किसी से रंगदारी मांगने के लिए नहीं बोल सकेगा। शनिवार को जेल IG मनोज कुमार धनबाद मंडल कारा पहुंचे थे। इस दौरान जेल अधीक्षक अजय कुमार, जेलर अश्विनी तिवारी और जेल डॉक्टर आलोक शर्मा के साथ बैठक की। जमा हुआ सीसीटीवी कैमरे के बारे में उन्होंने बताया कि एजेंसियों से सर्वे कराकर जय मां की व्यवस्था बहाल की जाएगी। ऑनलाइन एजुकेशन बड़े धोखा है, शिक्षा विभाग ने अभिभावकों को किया सचेत। ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ बच्चों ने ऑनलाइन गेमिंग भी शुरू कर दी है। इस पर शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों और अभिभावकों के लिए निर्देश जारी किए हैं। वे बच्चों पर नजर रखें कि वे इंटरनेट से जुड़कर किस गेमिंग ऐप का उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग बच्चों में बहुत लोकप्रिय भी हो गई है। ऐसे में यह ऐप बच्चों को अधिक खेलने के लिए उत्साहित करती है, जिसकी लत से बच्चों को दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। राज्य परियोजना निदेशक ने इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश जारी कर कहा
ऐसी परिस्थिति में शिक्षकों और अभिभावकों को चाहिए कि वह बच्चों का मार्गदर्शन करे तथा उनके गतिविधियों पर नजर रखे। जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रभला खेस ने बताया कि इस संबंध में सभी स्कूलों को निर्देश जारी किया जा रहा है ताकि बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की आदत से बचाया जा सके। धनबाद के 46 केंद्रों पर परीक्षा संपन्न, 12,000 अभ्यर्थी हुए सम्मिलित। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक की परीक्षा जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर रविवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान किसी प्रकार के कदाचार की कोई सूचना केंद्र अधीक्षकों को नहीं मिली। परीक्षा का आयोजन सुबह 10 बजे से 12:30 तक ऑफलाइन मोड पर संचालित किया गया था। परीक्षा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था के साथ साथ अन्य नियमों का पालन किया गया। पॉलिटेक्निक प्रवेश के लिए जिले में 46 परीक्षा केंद्र बनाया गया था। इन परीक्षा केंद्रों पर 12,200 छात्राओं में से करीब 12,000 के आसपास छात्रों ने परीक्षा दिया। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा के आयोजन को लेकर DC और SSP द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई थी। परीक्षा केंद्र पर भीड़ लगाकर विधि व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए सदर SDPO द्वारा परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में प्रवेश निषेध जारी की गई थी। इसके तहत 5 से अधिक व्यक्तियों को एक जगह जमा होने पर भी रोक लगाई गई थी। किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार और सभा प्रदर्शन आदि नहीं की जा सकती थी। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के घेरे में यह निर्देश सुबह 7 बजे से लेकर शाम 3:30 तक प्रभावी रहा। झारखंड में 2500 सहायक पुलिसकर्मी फिर करेंगे धरना प्रदर्शन। 12 नक्सल प्रभावित जिलों में संविदा के आधार पर बहाल 2500 सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर फिर से आंदोलन शुरू करने वाला है। सहायक पुलिसकर्मियों ने 27 सितंबर से राजभवन और CM आवास के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। मांग नहीं माने जाने से नाराज सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि पिछले साल 12 सितंबर 2020 से 23 सितंबर 2020 तक मोरहाबादी मैदान में आंदोलन चला था। उस वक्त मंत्री मिथिलेश ठाकुर मिलने आए थे। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि मांगों पर विचार के लिए जल्द ही 5 सदस्यीय कमेटी गठित होगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा, लेकिन इस दिशा में अब तक कुछ नहीं हुआ। बिहार झारखंड के छात्रों के पास SSC में नौकरी करने का मौका, कई पदों पर निकली भर्ती। बिहार झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग ने 3261 पदों पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर बहाली के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी भर्ती में उम्मीदवारों को वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों से युक्त कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं को पास करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 25 अक्टूबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। SSC की भर्ती का एग्जाम जनवरी या फरवरी में होगा। आप सबको बता देना चाहता हूं कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। परीक्षा में पास करने वाले उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा के आयोजक कर्मचारी चयन आयोग के पास कौशल परीक्षण और अंतिम चयन के लिए योग्यता मानदंड और रिक्तियां की संख्या में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखा है। झारखंड में बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करना हुआ और आसान, अब 15 दिनों तक का ले सकेंगे ई पास। बाबा मंदिर में प्रवेश के लिए ई पास की सुविधा को और बेहतर करते हुए अग्रिम ई पास निबंधन का समय 7 दिनों से बढ़ाकर 15 दिन तक कर दिया गया है, ताकि श्रद्धालु अपनी सुविधा अनुसार स्लॉट बुक कराकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश कर पाए। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निःशुल्क ई पास निबंधन की सुविधा के लिए एकमात्र वेबसाइट darshan.babadham.org जारी किया गया है। इस संबंध में DC मंजुनाथ भजंत्री ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं श्रद्धालुओं से आग्रह करते हुए कहा गया है कि 100% नियमों का अनुपालन करते हुए जारी वेबसाइट से ई पास प्राप्त करने के बाद ही मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। इसके साथ ही आवश्यक है कि ई पास के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दी जा सके, ताकि जानकारी के अभाव में किन्हीं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। झारखंड में कोरोना संक्रमण नहीं के बराबर, 7 जिलों में पिछले 1 माह में नहीं मिला कोई मरीज। झारखंड में कोरोना का संक्रमण अब नहीं के बराबर है। कई जिलों में तो लंबे समय से कोरोना का कोई केस नहीं मिला है। राज्य के 7 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 1 माह में कोई कोरोना मरीज ही नहीं मिला। इनमें दुमका, गिरिडीह, गुमला, कोडरमा, पाकुड़, पलामू तथा सरायकेला खरसवां शामिल है। साथ ही इन जिलों में सरायकेला खरसवां को छोड़कर शेष अन्य जिलों में वर्तमान में कोई भी संक्रमित नहीं है।
गिरिडीह, कोडरमा, पाकुड़, पलामू तथा गुमला में 23 अगस्त के बाद से कोई नया संक्रमित नहीं मिला है। राज्य में पिछले सप्ताह महज 43 नए केस मिले हैं। राज्य में वर्तमान में 82 मरीज ही संक्रमित है। राज्य के 11 जिलों में कोई भी एक्टिव केस नहीं है। वर्तमान में सबसे अधिक 46 एक्टिव केस रांची में है। इसके बाद जामताड़ा में 9, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो और चतरा में 4-4, सरायकेला, खरसवां, लोहरदगा तथा पश्चिमी सिंहभूम में 3-3, धनबाद में 2 तथा हजारीबाग, देवघर, खूंटी तथा लातेहार में 1-1 एक्टिव केस है। इधर राज्य में 4 सितंबर के बाद किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। इन जिलों में वर्तमान में नहीं है कोई एक्टिव केस, जिनमें से दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, कोडरमा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, साहिबगंज और सिमडेगा शामिल है। रांची में लुटेरों से भिड़ गई डीएसपी की पत्नी, सोने की चैन छीन रहे अपराधियों को जमीन पर पटक डाला। रांची में रविवार दिन दहाड़े झारखंड हाईकोर्ट की महिला अधिवक्ता एवं डीएसपी की पत्नी से सोने की चैन छीनने का प्रयास हुआ। हालांकि महिला ने हिम्मत जुटाकर बाइक सवार अपराधियों को उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया। इस छीना झपटी में चैन का आधा हिस्सा महिला के पास और आधा लुटेरों के पास रह गया। महिला ने लुटेरों को जमीन पर पटक कर बचा आधा हिस्सा भी अपने कब्जे में कर लिया। इस संबंध में थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। अरगोड़ा थाना पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आप सबको बता दूं कि महिला कविता प्रिया डीएसपी डॉक्टर हीरालाल रवि की पत्नी है। हीरालाल ट्रेनिंग सेंटर पदमा में पोस्टेड हैं। बताया गया कि दिन के करीब 1 बजे डीएसपी की पत्नी और झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता कविता प्रिया अपनी बच्ची के साथ मार्केट से घर वापस लौट रही थी। हरमू स्थित क्लासिक पार्क के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधियों ने उनके गले से सोने की चैन छीनने का प्रयास किया। कविता के जबरदस्त प्रतिरोध एवं आक्रामक रूप को देखते हुए दोनों लुटेरे बाइक से तेजी से भाग गए। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की करिश्मा ने झारखंड सरकार को सराहा, कहा सीएम की पहल से जमशेदपुर में हुआ नेशनल कैंप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का खेल प्रेम जग जाहिर है। दूसरे राज्यों के खिलाड़ी भी उनके खेल प्रेम के मुरीद हो गए हैं। जमशेदपुर में चल रहे भारतीय महिला फुटबॉल कैंप में भाग लेने वाले खिलाड़ी भी मानते हैं हेमंत सोरेन के कारण ही नेशनल कैंप का आयोजन हो पाया है, नहीं तो इसका होना मुश्किल था। टीम में शामिल गोवा की करिश्मा पुरुषोत्तम ने शनिवार को दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हीं के प्रयास से यहां पर कैंप आयोजित हो पाया है। कोरोना महामारी के कारण कोई भी राज्य कैंप आयोजित करने में रुचि नहीं दिखा रहा था। ऐसे समय में हेमंत सोरेन ने आगे बढ़कर शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने शिविर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा प्रदान कराई, इससे हम वापस लय में आने में सफल रहे। पिछले 1.5 वर्ष से हम फुटबॉल के मैदान से दूर रहे, लेकिन अब खिलाड़ी लय में आने लगा है। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।